ज्वालामुखी के आरएनटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक उत्सव की धूम रही। छात्रों ने देशभक्ति गानों से देशभक्ति का जज्बा भरा। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई, फिर स्वागत गीत गाकर मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हंसराज मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। विशेष अतिथि रमजान खान ने भी बच्चों को नशे से दूर रहने और नशे के दुष्प्रभाव बताए। बच्चों ने विशेष प्रस्तुति व डांस प्रस्तुत किए। छात्रों ने स्काउट एंड गाइड सॉन्ग प्रस्तुत किया। इस कविता गिद्दा नाट्य आदि पेश किए। स्कूल के प्रधानाचार्य ओपी वशिष्ठ ने वार्षिक गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की और उन्होंने कहा कि हमारा स्कूल गरीब परिवार के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करता है। इस मौके पर स्कूल प्रबंधक रमेश चंद भी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि हंसराज ने छात्रों को निरंतर पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और मेधावियों को बधाई दी और छात्रों को सम्मानित किया। फी नहीं ले रही है। जो बच्चे हमारे में नॉलेज में है कि इनके ये बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, लेकिन पेरेंट्स इकोनॉमिकली पुअर हैं। हमारी कंसंट्रेशन, जो टीचर की कंसंट्रेशन है वो हमारी ज्यादा रहती है कि हम इस स्कूल में बच्चों को रोबोट, कंप्यूटर, कैलकुलेटर नहीं बनाते। हमारा कंसंट्रेशन बच्चों को देश के बढ़िया सिटीजन बनाने के ऊपर होता है, ना कि मैक्सिमम स्कोरर बनाने में। आज के टाइम में ज्यादातर जो दौड़ है कि बच्चा मैक्सिमम स्कोर 100 में से 100 ले तो इंटेलिजेंट है और ना ले 98 ले तो नहीं है। हम अदरवाइज सोचते हैं बच्चा बेशक 95% मार्क्स लेके नहीं बहुत अच्छा इंसान बने, बहुत अच्छा शहरी बने, इसके ऊपर हम कंसंट्रेट करते हैं। और आपने अभी जो एक्टिविटीज देखी बच्चों की, वो आपने देखा कि हम सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि बच्चों की ऑल राउंड डेवलपमेंट करवाने में यकीन रखते हैं। अध्यापक ही हूँ, अपने आप को टीचर ही मानता हूँ आज भी, और स्टूडेंट हूँ, अभी PhD चल रही है, तो सीखने और सिखाने का काम चला ही हुआ है। और जहां जहां मौका मिलता है, जो जो लोग बुलाते हैं, तो दो चार चीजें जो हमने सीखी है एक दूसरे का शेयर भी करते हैं। विशेषकर मैं बधाई देना चाहता हूं उन बच्चों को जिन्होंने ये जो वार्षिक पुरस्कार पारितोषण होता है, वो उन बच्चों के लिए बड़ा भव्य होता है जिन बच्चों ने कल्चर में, स्पोर्ट्स में और एकेडमिक तरीके से बहुत अच्छा किया होता है। और साथ ही साथ उन बच्चों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं वो बच्चे जो थोड़े से कुछ नंबरों के आगे पीछे रह जाते हैं। तो बधाई उन बच्चों को है जो पास आउट भी हुए हैं और जो इस साल भी पास आउट होंगे, क्योंकि उनको भी जो 12वीं के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए भी लास्ट आ रहे हैं आरएनटी में, फिर हमारे खान साहब की तरह आएंगे यहां पर कि हम भी इसी स्कूल के स्टूडेंट हुआ करते थे।